अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वेव एंड ऑसिलेशन का एक टॉपिक है फिज़िकल पेंडुलम तो पेंडुलम क्या होते हैं पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन करते हैं वो मीन पॉइंट के गिर्द यूँ वाइब्रेट करते हैं जब वो मीन पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करते हैं फिर हम उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी डिस्कस करते हैं हम उसका टाइम पीरियड भी डिस्कस करते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ़ वाइब्रेशन भी डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास एक फिज़िकल पेंडुलम है जो एक सिंपल पेंडोलम या एक पेंडोलम की टाइप है यानी हम यूँ ले, ले लेते ये हमारे पास कोई एक गत्ते का टुकड़ा है कोई एक हार्ड पेपर है हार्ड शीट है यहाँ पे दीवार में कील लगा देते जहाँ पे कील लगाएंगे वो उसका क्या बनेगा पॉइंट ऑफ रोटेशन बनेगा अगर उसको फ्री छोड़ दें वो बॉडी कहाँ पे रुकेगा वो वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे जो उसका वेट होगा वो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजरेगा जितना उसका वेट डाउनवर्ड होगा ये हमारे पास उसका सेंटर ऑफ मास है सेंटर ऑफ मास के ऊपर ये वेट की फोर्स एक्ट करती है जितना उसका वेट ये डाउनवर्ड होगा उतनी उसमें टेंशन क्या होगी वो अपवर्ड वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे उस बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो वो बॉडी मीन पोजीशन पे वहाँ पे रुका है हम इस पे यूँ इस साइड पे फोर्स लगाते हैं उसको इस साइड पे मूव करवाते हैं वो बॉडी इस मेन पोजीशन से मूव करके वो यहाँ पे आ जाता है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है ये उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन वही है जो अपने एक्सेस के गिर्द या पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है वो फिक्स है सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो वेट की फोर्स है वेट हमारे पास क्या है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी ये जो हमारे पास यहाँ पे ये लाइन है ये बॉडी वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा से डिस्प्लेस होता है इतने एंगल से डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी उसका थीटा एम जी कॉस थीटा हमारे पास ये कंपोनेंट है जो इसके टेंशन की वजह से टेंशन को बैलेंस करेगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एक ये इसका कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है ये हमारे पास ये मीन पोजीशन है ओ प्राइम तो ये जो एम जी साइन है ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो बॉडी को मेन पोजीशन की साइड पे लेके आते हैं एंड दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ये इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी लेंथ है उस लेंथ को हम क्या कह देते हैं ये लेंथ हमारे पास वो आ है अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और जो रिस्टोरिंग टार्क होगा रिस्टोरिंग टार्क दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स मल्टीप्लाइड में उसका मोमेंट आर कि यहाँ पे फोर्स लगती है पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन का यह सेंट्रल डिस्टेंस क्या आ जाएगा मोवमेंट आर दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द फिजिकल पेंडुलम, देन हम लिख देते हैं रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा इन टू एल इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा ये यहां पे पुट कर दें टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड एंगुलर एक्सलेशन होगा माइनस एम जी एल इंटू क्या आ जाएगा ये थीटा तो यहां से एंगुलर एक्सलेशन किसके बराबर आएगा एम जी एल डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा आप इसको इक्वेशन वन कह दें हमें पता है कि एज फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम एंगुलर केस में क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्केयर इंटू थीटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जैसे लीनियर मोशन में क्या लिखते हैं एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स अब इसका और इसका कंपैरिजन करें ये भी अल्फा ये भी अल्फ़ा ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा मेगा स्केयर दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल ओवर आई तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हम इसको कोई इक्वेशन थ्री कह देते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ उसकी वाइब्रेशन है अगर मैं इसी इक्वेशन को प्रोसीड करूं एंगुलर एक्सलेशन की जगह हम क्या लगा देते हैं इक्वेजन वन विल बिकम द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर विलासटी माइनस एम जी एल डिवाइडेड बाई आई इं टू थीटा हम इसको डी थीटा से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये थीटा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई टी दू माइनस एम जी एल ओवर आई इन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा ये उमेगा आ जाएगा डी ओमेगा इसको इंटीग्रेट करें माइनस एम जी एल आई थीटा इंटू डी थीटा तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर बाई टू माइनस एम जी एल ओवर आई इंटू थीटा स्केयर बाई टू प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम कहते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम देन एक्सट्रीम पोजिशन पर जाके बॉडी हमेशा रुकता है फिर वापस आता है उसके एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो गई एंगुलर विलास्टी ज़ीरो ये टर्म जीरो होगी यहाँ पे सी किसके इक्वल आएगा एम जी एल डिवाइड बाई आई मल्टीप्लाय बाई थीटा एम्स स्क्वायर यानी यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगी थीटा की जगह थीटा एम पुट करें सी इस टर्म को इस साइड पे ले आए तो वो यहाँ पे आके पॉजिटिव इस सी को वहाँ पे पुट करें एम जी एल ओवर आई इंटू थीटा स्केयर डिवाइडेड बाई टू प्लस एम जी एल ओवर आई इं थीटा मैक्सिमम स्केयर ओवर टू टू को कॉमन ले लें कुछ चीज़ों को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे टू कॉमन ले इसके साथ कैंसिल कर दें पॉजिटिव का क्या बचेगा थीटा एम स्केयर नेगेटिव का क्या आ जाएगा थीटा स्केयर अब ये हमारे पास जो ये है ये हमने लिखा है कि एम जी एल ओवर आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इसको मैं बोल देता हूँ ये हमारे पास एंगुलर विलास्टी को मैं लिख देता हूँ ओमेगा नाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिख देते हैं ओमेगा इन टू थीटा स्केयर माइनस थीटा एम स्केयर माइनस थीटा स्केयर तो एंगुलर विलासटी क्या आ जाएगी इस पर अंडर रूट लगाए बोथ साइड्स के ऊपर ये हमारे पास उसके एंगुलर विलास्टी का फार्मूला है एंगुलर विलास्टी ओमेगा नाट दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू थीटा इसको लिख देते हैं ये हमारे पास कोई इक्वेशन फोर है ओमेगा थ्री टाइम स्केयर मैनस थीटा स्केयर रूट ये एंगुलर विलास्टी है अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लूँ ये देखें टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लें तो क्या आ जाएगा ये एंगुलर विलासटी दैट इज इक्वल टू ओमेगा हम इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं किस तरीके से डी थीटा डिवाइडेड बाई थीटा एम स्केयर माइनस थीटा स्केयर इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई डी टी इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई मैंने कहा इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाई थीटा एम इंटू टी की इंटीग्रेशन डी टी की इंटीग्रेशन ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से डी टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी टी प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइव इसको सिम्प्लीफाई करें नेगेटिव को उधर ले जाएं तो फाइनल रिज़ल्ट क्या आएगा ये हमारे पास उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट તે જો બોડી વાઇબ્રેટ કરતે હે તો વો ભી ક્યાં કરતે હે વો સાઇનોસાઇડલ મોશન કો વો ઉબેક કરતે હે સાઇનોસાઇડલી વો બોડી ક્યાં કર રહે હે વો મીન પોઝિશન કે ગિરદ یوں વાઇબ્રેટ કરતા હે જો اسમે વેરીએશન હે સાઇનોસાઇડલ યાદ رکھنا સાઇનોસાઇડલ કા મતલબ सिर्फ साइन વેવ نہیں ہوتا સાઇન ઓર કોસાઇન કી દોનો કી જો વેરીએશન હે સાઇનોસાઇડલ એક વેરીએશન કા નામ હે ઓર વો જો વેરીએશન હોતી હે વો બોડી یوں જબ વાઇબ્રેટ કરતા હે તો તબ ભી ઉસકી મોશન જો હોતી હે વો સાઇનોસાઇડલ વેરીએશન કી તરહ હોતી હે अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लूं, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को भी मैं लिख सकता हूं थी टाइम कॉस के डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू तो माइनस ओमेगा ये इसका हमारे पास टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा एंगुलर का। अगर मैं एंगुलर का फिर टाइम डेरिवेटिव लूँ तो ये आ जाएगा एंगुलर एक्सलेशन साइन की इंटीग्रेशन क्या साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस वाई यहाँ पे फिर इसको डेरिवेटिव लेंगे ओमेगा ओमेगा यहाँ पे आके उसका स्केयर कर अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे थीटा तो ये अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर थीटा

टू पाई ओवर ओमेगा ये ओमेगा उठा के हम वहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा ये टू पाई ओमेगा है हमारे पास एम जी एल ओवर आई अंडर रूट तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ जाएगा ये टाइम पीरियड का फार्मूला है आई ऊपर चला जाएगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी को लिखूं, मैं क्या करता हूं? मैं इस टाइम टाइम पीरियड का यह रेसिप प्रोकर ले लेता हूं। इसका रेसीप्रोकर ले, ले लें तो टू पाई एम जी एल डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा ये हमारे पास आई तो ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी कि वो बॉडी इस तरीके से वाइब्रेट करता है अगर मैं इस फिज़िकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम के अंदर कन्वर्ट करके देखूं, तो हम यूं करते हैं कि ये हमारे पास एक स्पोर्ट है हम यहाँ पे उस जो बॉडी है उस बॉडी को हम क्या करते हैं हम यूं करके ऐसे लटका देते हैं अब जो मास है ये एक छोटा सा मास पॉइंट मास नज़र आता है ये उस बॉडी का सिंपल पेंडुलम का मास यहाँ से लेकर यहाँ तक मास एम अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह हमारे पास क्या है उसकी लेंथ अगर हम एक बड़ी सी वायर से उसको सस्पेंड करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ जाएगा ये मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया इज़ इक्वल टू एम एल स्केयर ये हम यहाँ पे पुट करें तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा टू पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह एम एल स्केयर डिवाइडेड बाई एम जी एल एम के साथ एम कैंसिल एक एल के साथ, के साथ तो के एक एल कैंसिल तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा एल ओवर जी एंड दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडोलम अगर हम कहते हैं कि उसी ये जो हमारे पास पेंडोलम ये जो हमने एक हार्ड बोर्ड लिया था कोई गत्ते का टुकड़ा लिया है अगर हम इसको बड़ी सी वायर से सस्पेंड कर दें कि वायर की लेंथ काफ़ी लार्ज हो एज़ कम्पेयर टू दाइज़ ऑफ द पेंडोलम इसका साइज ऑफ़ दिस मास यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टुकड़े की जो लेंथ है इसकी नस्बत ये जो वायर है इसकी लेंथ वो काफ़ी बड़ी हो देन वो जो पूरा हमारे पास पेंडुलम का ये हिस्सा है वो ऐसे लगेगा जैसे पॉइंट मास हो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम एल स्केर इसको यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या आता है वो सिंपल पेंडुलम की तरह जब उसको एक बड़ी लंबी वायर से उसको लटका देंगे देन ये जो हमारे पास सिंपल फिज़िकल पेंडुलम है वो फिज़िकल पेंडुलम ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो एक हमारे पास मेटेलिक बोब होता है सिंपल पेंडुलम का तो आज के लेक्चर में हमने किस चीज़ को स्टडी किया है हमने फिज़िकल पेंडुलम के बारे में पढ़ा है और फिज़िकल पेंडुलम के बारे में हमने उसकी बेसिस को देखा है वो कैसे वाइब्रेट करेगा उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलेगी उसकी टेंशन कहाँ पर होगी उसको एक एंगल पे इंक्लाइन करके हमने देखा है कि एंगल पे उसको खींच के ले गए तो इस एंगल पे उसके पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया हमने एक कैलकुलेशन करने के बाद मैथमेटिक्स को हमने इन्वॉल्व किया है तो उसके बाद हम पहुँचे कि उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है साइनोसाइडल है उसके एंगुलर विलासटी भी साइनोसाइडल है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी साइनोसाइडल है फिर हमने उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रिक्वेंसी को मालूम किया और हमने उस फिज़िकल पैंडोलॉम को कन्वर्ट किया है एक सिंपल पैंडोलॉम के अंदर कन्वर्ट करके भी हमने उसको देखा है आप इस लेक्चर को स्टडी करें तो इसको स्टडी करते हुए कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है कहीं कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप कमेंट्स करें मैं इंशाल्लाह पॉजिटिवली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच